दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास पल्सर 220 FI है, VS6 गाड़ी है। यहाँ पे चाबी चालू किया, ये सब लाइट आया, चेक लाइट आया, गाड़ी को सेल्फ मार रहा हूँ, ये गाड़ी चालू हुआ। लेकिन ये गाड़ी जहाँ तकलीफ क्या था, ये गाड़ी चलते चलते बंद हो रहा था और सेल्फ काम नहीं कर रहा था। तो कस्टमर ने लेके आया कि भाई ऐसा तकलीफ है, तो थोड़ा सा बैटरी डाउन था इसका, मैंने बैटरी को चार्ज करवाया और चार्ज कराने के बाद से ये इसका वायर जो है सॉकेट, शायद आप लोगों को क्लियर मालूम पड़ रहा है, कोई मैकेनिक भाई के पास ये गाड़ी गई होगी, ये वायर यहाँ पे जो वायर है ये वायर इसके अंदर रहता है, लेकिन ये सड़ गया था करके डायरेक्ट कटिंग करके और ये लगा दिया हुआ है। लेकिन अभी गाड़ी स्टार्ट किया लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो बैटरी चार्जिंग आप लोगों को दिखाता हूँ। मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर 20 वोल्ट DC पे रखा और बैटरी का वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो 12+ है, यानी बैटरी चार्ज है और सेल्फ भी काम कर रहा है। और अभी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ये गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया और एक प्रोब यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी चार्जिंग काम नहीं कर रहा है, ये जबकि कम हो रहा है क्योंकि चार्जिंग मिल नहीं रहा है, तो जो बैटरी के अंदर वोल्टेज है उससे भी कम होगा ये, ठीक है, ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। तो चार्जिंग का जो स्टेप होता है वो क्या चीज़ चेक करने का, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। पहला इधर आ जा, तो ये मैग्नेट से जो वायर आया हुआ है, ये 3 फेज का कॉइल है, तो इसको चेक करने के लिए एकदम ईजी तरीका है, ऐसा एक बल्ब ले लेने का, एक वायर इसमें डाल देंगे, दूसरा वायर इसमें डालेंगे, ये बल्ब काफ़ी स्पीड से जल रहा है, तो वापस इसको निकाल के यहाँ पे लगा देंगे तो भी ये काम कर रहा है, मतलब यहाँ से करंट आ रहा है। और इसको अगर मल्टीमीटर में भी चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में भी चेक करने का तरीका है उसको, ये मल्टीमीटर को 200 वोल्ट AC पे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको रखेंगे और एक वायर इसमें डाल देंगे, कौन सा भी वायर किधर भी डाल देंगे, और यहाँ पे जब चेक करेंगे तब ये 22 वोल्ट आ गया, जबकि गाड़ी स्लो है। अब ये फास्ट कर रहा हूँ, जितना फास्ट करूँगा उतना वोल्ट बढ़ेगा। वापस यहाँ पे दूसरे जगह लगाएंगे तो ये इसके अंदर ही बढ़ रहा है, लेकिन बैटरी चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो ये मैग्नेट से इनपुट तो आया, अब ये चार्जर के अंदर चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनपुट आ रहा है, अब ये चार्जर तक पहुँच रहा है कि नहीं और चार्जर में बैटरी का सप्लाई पहुँच रहा है कि नहीं, पहले टाकी निकालते हैं क्योंकि इसका चार्जर इधर है, तो निकाल के पहले चेक करते हैं। दोस्तों मैंने टाकी को निकाल लिया और यहाँ पे दिखा दो, अब यहाँ पे वोल्टेज अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये लाल वायर है बैटरी से जो आया हुआ है, ये चार्जर में गया वो लाल वायर है, और दूसरा ये जो वायर है ये वाइट कलर का वायर होता है, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे दिखा दो, यहाँ से जो वाइट गया है यही वाइट यहाँ पे आके इधर आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा निकालता हूँ, इसको वाइट पे ब्लैक है, ये वायर यहाँ पे आया हुआ है, ये वाइट वायर यहाँ पे आया, और ये क्लिप को मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे AC वोल्टेज जो है मैग्नेट का, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे टूटा हुआ था वायर, और जब क्लिप निकाला तो क्लिप भी बहुत टाइट था, तो मैं इसको टेस्टर के मदद से निकाला हूँ, तो ये इतना काफ़ी जंग पकड़ लिया हुआ है, और जंग पकड़ने के हिसाब से ये RR में वायर जो गया हुआ है वो है ये, ठीक है, और ये जो चार्जर यहाँ से आया हुआ है ये रिले से ये वायर है, तो जब बैटरी का इसको इनपुट नहीं रहेगा तो बैटरी का चार्जिंग तो आ रहा है वहाँ से AC वोल्टेज का, लेकिन देगा कैसा वो, तो दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पे वायर टूटा हुआ है, तो वायर को पहले ज्वाइंट करते और ज्वाइंट करके फिर दिखाता आप लोगों को। दोस्तों ये रिले से जो वायर आया है ये वायर है, तो चाबी ऑफ रहेगा तो भी इसके अंदर बैटरी का वोल्टेज रहेगा, ठीक है, और जब बैटरी का वोल्टेज आएगा, जब चार्जिंग निकालेगा आउटपुट, तो इसी वायर के थ्रू निकालेगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन जब ये वायर जंग पकड़ के और टूटा रहेगा तो चार्जिंग निकालेगा नहीं। और मैंने जो चेक किया था मैग्नेट से इनपुट, दोस्तों ये मैग्नेट से जो आउटपुट निकला था, यहाँ पे मैंने करंट चेक किया था, AC वोल्टेज, ये बल्ब से भी चेक किया था और मल्टीमीटर से भी चेक किया था, तो यहाँ पे इनपुट आ रहा था। और आप लोग का भी चेक करना है तो वापस यहाँ पे भी चेक करना है, क्योंकि वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सामने से पोल दिख गया, तो उसके लिए यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। और जब चाबी ऑफ रहेगा या चालू रहेगा तो भी यहाँ पे बैटरी का सप्लाई आता है, जब चार्जिंग के लिए इनपुट आ रहा है यहाँ पे तो चार्जर आउटपुट निकालेगा तो इसी वायर से निकालेगा, लेकिन ये सब वायर टूटा हुआ था। और अभी यहाँ पे मैं इसको टेम्पोररी कर रहा हूँ और बाद में इसको सोल्डिंग कर दूंगा,
ये खाली वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये तीनों वायर मिक्स करके आपस में है और इसको सोल्डिंग कर दूंगा। अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ खाली आप लोगों को, बाद में मैं सोल्डिंग करता हूँ इसको। तो फिलहाल मैं टाकी फिटिंग करता हूँ इसको, टेप मार के बाद में सोल्डिंग करूँगा इसको, फिर चार्जिंग दिखाता आप लोगों को। दोस्तों ये मैंने अभी बैटरी को लगाया वायर को, और यहाँ पे गाड़ी स्लो हैंडलिंग में है तो भी 1380 चले गया, यानी बैटरी का चार्जिंग जो है वो काम करना चालू कर दिया, बैटरी चार्ज होना चालू हो गया। जब चार्जर को इनपुट मिलेगा और आउटपुट नहीं निकलता है तो चार्जर का मिस्टेक है, लेकिन चार्जर के अंदर जो एसी वोल्टेज है उसका इनपुट था, लेकिन जो डीसी वोल्टेज जाता है रिले से वो उसके अंदर कनेक्ट नहीं था, आपस में टूट गया हुआ था। और ये गाड़ी में सब जगह पे वैसे ही है। इस गाड़ी के अंदर एक चार्जर का कपलर है, इसके अंदर भी काफ़ी रस्ट पकड़ा हुआ है, ये पीछे के साइड से काटा यहाँ से। और इसके अंदर जो रिले के अंदर है, इसके पहले भी कभी हुआ है तो कोई मैकेनिक भाई ने डायरेक्ट यहाँ पे कटिंग करके अलग से होल्डर लगा लगाया है। जब चार्जर को इनपुट मिलेगा और आउटपुट नहीं निकल रहा है तो चार्जर खराब होता है, और जब चार्जर को इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट निकालेगा नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।